जैम जबरदस्त धोखा 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 खाया 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 चप्पू बन गया भैया। विश वास की डोर तोड़ दी विशेष फिल्म्स ने, और सबसे ज्यादा तोड़ा उन्होंने जो बकरबाजी के विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े चेपू भी है। जब से उन्होंने फिल्में डायरेक्ट करना छोड़ा है तब से तो और बड़े वाले चेपू हो गए है। नाम है महेश भाट। इनकी बूढ़ी हड्डियों पर मत जाइएगा, इनके दिमाग का लावा अभी भी भड़क रहा है। फिल्म मर्डर में डिनायल और अप्रूवल्स के बाद इन्हें दिख गया कि जैकलिन नाम का तेजाब तो है इनके पास, और उसे कब और कैसे डालना है लोगों पे उसके लिए इन्होंने चाचा चौधरी से भी तेज दिमाग चलाया। पहले तो उन्होंने एक पोस्टर कॉन्टेस्ट रखा, फिल्म के 5 अलग अलग पोस्टर्स छपवाए मतलब लिफ्ट कर लिया मिरर बाय मिरर फील बाय फील, वो भी फॉरेन फिल्मों से। मतलब महेश भट्ट ने पोस्टर क्या उठाए उसमें सिर्फ स्किन शो भर के लाए। जैकलिन और इमरान को देख के लगा कि ये तो अगले जन्म तक एक दूसरे के साथ छिप के रहेंगे, और जैकी को भी बस वही करना था जो मल्लिका ने मर्डर में किया था। तो जी खुजली के विशेषज्ञ ने लोगों में खुजली कर दी और भड़कते शोले में आग लगा दी। बोल दिया कि इसमें तो मर्डर से भी ज्यादा खुलापन है। हाय तौबा, लोगों की हसरतों के साथ खेलना शुरू कर दिया महेश भट्ट ने, और इमरान हाशमी भी बात में बात मिलाते नजर आए। अब मलाई तो उन्होंने ही खाई थी तो उनकी जुबान तो फिसलनी बनती थी ना। कहने लगे कि फिल्म में इरोटिक सीन्स तो है ही, साथ में है एक सॉलिड स्टोरी लाइन। बाद में पता चला कि स्किन ट्रेड पे बेस्ड था इसका प्लॉट। अब ऐसे प्लॉट वाली फिल्म ने फिर तो हवा में ही किले बनाने थे और ऑडियंस बनी घनचक्कर। मर्डर 2 में ना निकला मर्डर का रस और ना ही थी जैकलिन में मल्लिका जैसी कसक। तो जी सारी प्रमोशन थी बकवास और दर्शक हो गए टाई टाई फिश एट नंबर 10।